जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है राज राजेश इंस्टीट्यूट पटना में। चलिए, आज हम लेकर के आए हैं मैथ्स का प्रीवियस ईयर का एक सेट जो 2023 के सीजीएल में पूछा गया है। लिखा हुआ है यहाँ 14/7/14/7/2023 फर्स्ट शिफ्ट का ये हमारा क्वेश्चन है, पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन। तो चलिए प्यार से देखिए, धीरे धीरे आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 पे पावर 25 प्लस 6 पे पावर 26 प्लस 6 पे पावर 27 प्लस 6 पे पावर 28। कहा गया यह जो नंबर है किससे डिविजिबल है, किससे कंप्लीट डिवाइड है, ये बताइए। तो अगर यहाँ से हम गौर से देखें तो हम कह सकते हैं 6 पे पावर 25 यहाँ है, यहाँ 26 है, इसका मतलब इसमें भी 25 है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 6 पे पावर 25 प्लस 6 पे पावर 25 इंटू 6 पे पावर 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 6 पे पावर 25 इंटू 6 पे पावर 2 और इसको हम लिख सकते हैं 6 पे पावर 25 इंटू 6 पे पावर 3। अगर हम यहां से देखें तो गौर करेंगे तो 6 पे पावर 25 इसमें भी सब में है। मतलब इसको हम कॉमन ले लें तो हम कह सकते हैं 6 पे पावर 25। तो बताओ अंदर में क्या बचेगा, तो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यहाँ 1, यहाँ क्या है हमारा 6 है, यहाँ 6 पे पावर 2 है, इसका मतलब 36 है, और यहाँ 6 पे पावर 3 है, मतलब 216 है। अगर हम देखें 6 पे पावर 25 अगर हम इसको सबको हम ऐड करें तो हम कहेंगे 6 6 12 6 18 18 और 1 19 9 3 और 1 4 6 6 6 12 12 1 13 13 1 14। आप कहेंगे 2 2 और 1 3 349 सॉरी 349 359 क्या आएगा 359। अब बताओ जब सबको इस सबको हम जोड़े हैं तो 359 आया है हमारे पास, क्या हमारा 6 पे पावर 25 आया है। अगर हम डिवाइड करने की बात करें तो हम कह सकते हैं इसमें 6 दिख रहा है, मतलब यह नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ऑप्शन में 6 होगा तो भी हमारा आंसर हो सकता है, 6 पे पावर 2 मतलब 36 होगा तो भी हो सकता है, 6 पे पावर 3 मतलब 216 तो भी हमारा हो सकता है। क्या ये जो हमारा नंबर है मल्टीप्लाई में, मतलब इससे भी ये कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, मतलब सॉरी 300 ये हमारा क्या होगा 259 ठीक है। आप कहेंगे यहाँ 259 होगा तो भी हमारा हो सकता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारा 259 है और एक हमारा 6, मतलब 259 गुना 6 अगर इसका वैल्यू अगर दे दिया जाए, अगर ये ऑप्शन में होगा तो भी हमारा हो सकता है। तो आप यहाँ गौर करके देखेंगे हमारा ऑप्शन क्या बनाया है, तो 259 बनाया है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 259 हो जाएगा। इसका आंसर फिक्स नहीं है, इसका आंसर जो क्वेश्चन सेट करेगा उस पर डिपेंड करेगा जो हम इसके ऑप्शन में हम क्या दें। तो ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, 6 पे पावर 25 दिया गया है, मतलब पावर 1 से लेके 25 तक कुछ भी हमारा बन सकता है, और ये जो हमारा नंबर है 259 ये भी हो सकता है, या 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो भी हो सकता है, 6 से इसमें 36 से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा हो सकता है। तो ऑप्शन में हमारा दिया गया है 259, 259 कहाँ से आया, तो जब हम इसको जोड़े हैं 216 216 और 36 6 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो 259 आ जाएगा, क्या आएगा 259। यही ऑप्शन में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हुआ उसी हुआ, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, कहा गया 265 पे पावर हमारा 481 है प्लस 9। कहा गया इस नंबर को अगर 266 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये बताना है। अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं यहाँ से 265 पे पावर हमारा क्या दिया गया है, दिया गया है 4081 प्लस को क्या दिया गया है 9, इसको डिवाइड करने को बोला गया है 266 से। अब थोड़ा सा गौर करेंगे, अगर हम इसमें अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो कहेंगे इस नंबर से एक बड़ा वाला से डिवाइड करना है। जब इस नंबर से एक बड़ा वाला से डिवाइड करना होता है तो पावर को देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें, अगर कोई नंबर हमारा ए है और ए प्लस 1 से अगर हमको डिवाइड करना है तो इसके पावर को देखेंगे। अगर पावर ये हमारा ऑड नंबर होगा, पावर हमारा ऑड नंबर होगा तो याद रखना है इसका जो रिमाइंडर मिलेगा यहाँ जो ए है ए ही रहेगा। लेकिन अगर यही हमारा ए पे पावर एन और एन हमारा अगर इवन नंबर है, एन हमारा इवन नंबर है और बेस से एक बड़ा वाला से भाग लगाना है
तो याद रखना है यहाँ यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, हमारा वन आ जाएगा। तो देखो यहाँ अगर 265 है और भाग लगाना है 266 से, इससे एक बड़ा वाला से भाग लगाना है, तो पावर को देखेंगे, ये जो पावर हमारा ऑड नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो ऑड नंबर दिख रहा है, तो हम कहेंगे इसके लिए रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, तो इसके लिए रिमाइंडर हमारा, इसके लिए रिमाइंडर हमारा ये जो हमारा बेस है ना, यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। आप बताओ अगर 9 को अगर इससे डिवाइड करें तो इससे छोटा है, तो रिमाइंडर हमारा 9 का 9 रहेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसके लिए रिमाइंडर हमारा 265 और इसके लिए हमारा 9, डिवाइड किससे करना है, 266 से। एक और बात याद रखेंगे, रिमाइंडर मिला है एक से अधिक टर्म है, अगर उसको जोड़ने के बाद डिवाइड करने वाले नंबर से अगर बड़ा आ गया तो फिर एक बार डिवाइड करेंगे। जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 9, 5, 14, 6, 1, 7, 274 आया। अब बताओ 266 से अगर इसको हम भाग लगाएंगे तो आप क्या कहेंगे, रिमाइंडर हमारा 8 मिलेगा, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, आंसर क्या हो जाएगा, 8। और नहीं तो इसको हम दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, हम इसको हम कह सकते हैं इससे एक बड़ा वाला से भाग लगाना है, तो पहले हम इसमें हम भाग लगाएंगे। बताओ अगर इस पावर को भूल जाए तो आप क्या कहेंगे, 265 में 266 से भाग लगाएंगे तो -1 रिमाइंडर देगा, क्या देगा, -1, और इसमें पावर हमारा क्या है, तो आप कहेंगे 40, 81 है। प्लस हमारा क्या है, इसमें इसमें भाग लगाएंगे तो 9 का 9 रहेगा, हमारा क्या है 266 से भाग लगाना है। हम कहेंगे माइनस में है, निगेटिव है, तो पावर को देखेंगे, पावर हमारा अगर ऑड नंबर है तो निगेटिव का निगेटिव रहेगा, एक पे पावर कुछ भी होता है एक का एक रहेगा, तो ये तो ये 40, 81 अगर पावर है ये -1 पे तो -1 ही देगा, और पहले से हमारे पास 9 है, 266 से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर इसको हम देखें तो 9 से 1 घटेगा तो आप क्या कहेंगे, ये 8 हो जाएगा। ये भाग किससे लगाना है, 266 से भाग लगाना है। बताओ अगर 266 से 8 को भाग लगाएंगे, इससे छोटा नंबर है हमारा, तो रिमाइंडर हमारा यही हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। बड़ा होगा तभी हम डिवाइड करते हैं, छोटा है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने से ही रिमाइंडर आता है, लेकिन डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 8 ही रहेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर लेंगे या नहीं तो ऐसे कर लेंगे, अगर ऐसे करना है तो इन दोनों को याद रखेंगे डायरेक्ट, अगर एक कोई नंबर है उस पे पावर अगर ऑड नंबर है और जो बेस है उससे एक बड़ा वाला से भाग लगाना है तो जो बेस है हमारा रिमाइंडर वही रह जाएगा, अगर पावर इवन नंबर है तो रिमाइंडर क्या देगा, हमारा 1 देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है ए बी का 95% है, ए जो है कहा गया है बी का 95% है, 95% परसेंट को जैसे ही हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, तो आप कहेंगे 100 आएगा। हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यहाँ से ए बाई बी क्या हो गया हमारा, तो 95 अपॉन क्या हो गया, तो आप कहेंगे 100, मतलब ए हमारा 95 है, बी क्या है हमारा 100 है। या तो ऐसे सोच सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी हम कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं ए है और बी है, अगर बी हमारा 100 है तो इसका 95% तो ए क्या हो जाएगा हमारा 95%, तो रेशियो में ऐसे भी हम देख सकते हैं, यानी तो डायरेक्ट हम ऐसे कर लिए हैं तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। कहा गया क्वेश्चन ए का कितना परसेंट बी है, मतलब ये जो 95 का ये जो 100 है कितना परसेंट है बताना है। याद रखेंगे जिससे कंपेयर किया जाता है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो कंपेयर किया गया किससे, ए से, मतलब ए का जो वैल्यू होगा डिनोमिनेटर में आएगा और जिसके लिए किया गया है वो हमारा ऊपर रहेगा, मतलब इस 95 का 100 कितना परसेंट है, ये फ्रैक्शन में लिख दिए हैं, प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे हम 100 से गुना कर देंगे। अब अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं 5 से कैंसिल करेंगे तो 19 बार में और 5 से कैंसिल करेंगे तो हमारा 20 बार में, ये आ जाएगा हमारा 2000 बटा 19। अब बताओ अगर इसको हम डिवाइड करें तो एक बार भाग लगेगा तो बचेगा एक, एक मतलब 10, भाग नहीं लगेगा तो हम कहेंगे 0 बैठाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा, तो 19 25 95 तो बचेगा 5, 5 बटा 19, मतलब 105 पूर्णांक 5 बटा 19 इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा प्रतिशत में आएगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ये बहुत ही आसान बहुत ही ईजी क्वेश्चन हमारा था, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ गया समझिए आप लक्की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है सरसों के तेल का अंकित मूल्य, सरसों के तेल का जो MRP है उसके लागत मूल्य, लागत मूल्य मतलब CP कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक है, इसे MRP से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए ताकि कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो। इसके कहने का मतलब जब प्रॉफिट या लॉस की बात ना करें, मतलब नहीं प्रॉफिट हो ना लॉस हो, इसका मतलब जितना में खरीदा है उतना ही में बेचने की बात कर रहा है, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है वही हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो कहा क्या गया है, कहा गया है जो हमारा MRP है, MRP जो है MRP
ए जो है सीपी से 25% अधिक है, मतलब अगर सीपी 100 होगा इससे 25% अधिक मतलब 125 हो जाएगा। अगर 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा है तो इसे 25 रुपया अधिक करके एमआरपी तय करेगा तो हो जाएगा एमआरपी कितना, 125 हो जाएगा। कहा गया है नहीं प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, इसका मतलब क्या, वो कह रहा है हम 100 में ही बेचेंगे, मतलब 125 रुपया दाम तय किया है और 100 में बेचेगा, इसका मतलब 25 रुपया का छूट देना पड़ेगा, 25 रुपया का डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 25 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब बताओ 25 का डिस्काउंट दिया गया है, अब कहा गया है नहीं प्रॉफिट हो रहा है नहीं लॉस हो रहा है, तो बताओ अगर 25 का डिस्काउंट दिया है तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया है ये आपको बताना है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 25 है, 125 है, 25 में 25 डिस्काउंट देगा, तो आप क्या कहेंगे, 125% का, सॉरी 125 से कंपेयर करेंगे, 125 के सामान 100 में बेचेंगे मतलब 25 का डिस्काउंट दिए हैं। डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमआरपी पे तय होता है, तो एमआरपी हमारा कितना है, तो 125 है, तो कंपेयर किससे करेंगे, 125 से करेंगे। और अगर ये फ्रैक्शन में आ गया है, प्रतिशत में बदलना है, तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 25 से जैसा ही कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और इस 5 से 100 को कैंसिल करेंगे तो आप क्या कहेंगे, तो 20% आएगा। इसका मतलब क्या, जो हमारा डिस्काउंट था, डिस्काउंट परसेंट कितना होना चाहिए, तो 20%, मतलब उस वस्तु पे 20% अगर हम छूट देंगे तब नहीं प्रॉफिट होगा नहीं लॉस होगा। कहने का मतलब जितना में हम खरीदते हैं 20% छूट देने के बाद उतना ही में हम बेच रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है एक दुकानदार निम्नलिखित तो दो छूट योजना प्रदान करता है, तो ये योजना है क्या क्या, तो 3 वस्तु जब खरीदते हैं तो 4 आपको फ्री दिया जाता है पहला, दूसरा जब 5 खरीदते हैं तो 6 आपको फ्री दिया जाता है। अब बताओ अगर फ्री आपको दिया जा रहा है, मान लो अगर दिया गया है 3 वस्तु आप खरीद रहे हैं, 4 आपको फ्री दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या, जो दुकानदार है वो आपको टोटल कितना सामान दे रहा है, तो आप कहेंगे 3 आप खरीद रहे हैं 4 आपको दे रहा है, मतलब टोटल 7 सामान दे रहा है, मतलब जो सामान वो दे रहा है आपको फ्री में उसका भी कुछ ना कुछ दाम होगा, और दाम क्या होगा, तो इसी से रिलेटेड होगा, मतलब अगर जितना दाम इसका होगा उसी के रिस्पेक्ट में इसका भी दाम होगा। अगर एक वस्तु का दाम 100 रुपया होगा तो ये फ्री दे रहा है उसका भी 100 रुपया होगा, मतलब डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं अगर 3 वस्तु खरीदे हैं और 4 आपको फ्री दिया जा रहा है, इसका मतलब टोटल सामान आपको दे रहा है 7, और 7 दे रहा है और 7 में 4 आपको फ्री दे रहा है, मतलब 7 में 4 फ्री दे रहा है, तो उसको प्रतिशत में कितना होगा, कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा ये पता करना है। तो हम कहेंगे जब भी इस प्रकार का है तो जितना आप खरीद रहे हैं और जितना आपको फ्री दे रहा है ये हमारा टोटल हो जाएगा, टोटल कितना आ गया हमारा 7, फ्री कितना दे रहा है, तो आप कहेंगे 4, प्रतिशत में जैसे ही इसको हम चेंज करेंगे तो थोड़ा सा याद रखेंगे 1/7 होता है ये हमारा 14 सही 2/7% के बराबर होता है। अब बताओ 4/7 की बात किया गया है, मतलब 4/7 की बात की गई है, इसका मतलब 4 गुना ये भी होगा, जब 4 गुना इसको करेंगे ना तो 57 सही 1/7% के बराबर होगा, इसका मतलब ये जो होगा हमारा 57 सही 1/7% के बराबर होगा पहला। और ये जो दूसरा है तो दूसरा में हम कहेंगे 5 खरीद रहा है 6 फ्री दे रहा है, मतलब टोटल वस्तु कितना दे रहा है, तो आप कहेंगे 6 5 11 दे रहा है, फ्री कितना दे रहा है, तो आप कहेंगे 6 फ्री दे रहा है, 6/11 प्रतिशत में बदलेंगे तो आप कहेंगे डिस्काउंट परसेंट में चेंज हो जाएगा। यहां से फिर हम देखेंगे, हम कहेंगे 9 सही 1/11% को हम क्या बोलते हैं, तो 1/11 बोलते हैं, अगर इसको हम 6 गुना करेंगे तो हमारा 6/11 होगा, तो इसको भी 6 गुना करना पड़ेगा, आप कहेंगे 9 × 6 = 54 6/11%, मतलब इसका जो वैल्यू आ गया हमारा 54 सही 6/11% आया। अब बताओ इसमें दे रहा है 57 सही 1/7% डिस्काउंट, और इसमें मिल रहा है कितना 54 × 6/11% डिस्काउंट, तो आपके लिए कौन बेनिफिशियल होगा, तो आप कहेंगे जो जिसमें ज्यादा छूट मिलेगा वो होगा, मतलब पहला वाला आपके लिए सही होगा, और पहला वाला सही होगा मतलब ऑप्शन नंबर 1 ग्राहक के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, जिसमें डिस्काउंट आपको ज्यादा मिलेगा वो आपके लिए सही होगा, वो ग्राहक के लिए सही होगा, और जिसमें कम डिस्काउंट मिलेगा वो ग्राहक के लिए सही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं किए बस सिर्फ इसमें इतना समझना था, जितना भी वस्तु आप ले रहे हैं मतलब दुकानदार पूरा का पूरा उतना वस्तु दे रहा है, जितना फ्री दे रहा है तो उसी के रेस्पेक्ट में, टोटल जो वस्तु दे रहा है उसी के रेस्पेक्ट में आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, कहा गया है कितने समय में 10,000 रुपए पर 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर
उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 8000 रुपए पर 4 साल में 5% के रेट से ब्याज मिलता है। एक बात याद रखेंगे, एसआई जो परसेंट होता है, एसआई परसेंट रेट परसेंट इनटू टाइम के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम कहें दूसरे कंडीशन के लिए, तो आप कहेंगे रेट हमारा 5% है और हमारा टाइम 4 साल है, तो हम कहेंगे टोटल यहाँ से हमारा 20% एसआई मिलेगा। टोटल कितना परसेंट? 20%। तो 20% किसका? तो हम कहेंगे 8000 रुपया हम लगाए हैं तो इसका 20% मुझे चाहिए। 20% कहने का मतलब 1600 रुपया। कितना? 1600 रुपया। क्या ऐसे भी बोल सकते हैं 20% अगर आप जैसे ही देख लिए तो आप कहेंगे 1/5, मतलब जो भी पैसा है, जो भी पैसा दिया गया, जो भी प्रिंसिपल है, उसका 1/5 आपको ब्याज मिलेगा। मतलब 8000 का 1/5 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1600 रुपया। कहा गया है पहला वाला भी कंडीशन से 1600 रुपया ही ब्याज मिला है। हम देख लेंगे पहला वाला हमारा है कितना, तो कहेंगे 10000 रुपया लगाया है, ब्याज 1600 इसमें भी मिल रहा है, तो हम कहेंगे टोटल ब्याज मिला कितना है? तो हम कहेंगे एसआई परसेंट यहाँ टोटल है कितना, तो प्रतिशत है, तो 100 से गुना करेंगे तो हम कहेंगे 16% यहाँ से मिल रहा है। कितना परसेंट? 16%। हम जानते हैं एसआई परसेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे आर इंटू टी होता है, और इसमें दिया गया है रेट कितना, तो 4%, और टाइम निकालना है, तो हम क्या कहेंगे टी हमारा कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 साल हो जाएगा। आंसर इसके लिए क्या होगा हमारा? 4 साल हो जाएगा। हम बता रहे हैं इसलिए पूरा लिख रहे हैं, लेकिन पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट देखें 20% यहाँ से पता चल गया है, 20% मतलब 1600 डायरेक्ट यहाँ पे हम लिख लिए, और देख लेंगे जो 1600 है 10000 का कितना परसेंट है, तो 1600 10000 का कितना परसेंट होगा। तो डायरेक्ट अगर इससे कंपेयर करेंगे ना, अगर प्रैक्टिस में रहेंगे, तो डायरेक्ट आप कहेंगे 16% के बराबर होगा। अब इस 16% जो आया है ना हमारा एसआई परसेंट आया है, इसमें अगर रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकलेगा, टाइम से डिवाइड करेंगे तो रेट निकलेगा। तो रेट दिया गया है 4, तो 4 से भाग लगाएंगे तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा? 4 साल। अगर यहाँ टाइम दिया होता तो आप इस टाइम से भाग लगाते तो हमारा रेट निकल जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है 4 संख्या दिया गया है, 39, 117, 17 और वाई क्या है? अनुपात में, समानुपात में होगा, प्रोपोर्शन में है। क्या है? प्रोपोर्शन में है। तो वाई का मान क्या होगा? प्रोपोर्शन क्या होता है? तो दो रेशियो जब आपस में बराबर होता है तो प्रोपोर्शन होता है। रेशियो हमारा एक प्रकार का क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। मतलब अगर पहला दो की बात करते हैं तो रेशियो हमारा क्या है? 39:117। इसका मतलब फ्रैक्शन में लिख रहे तो 39/117। कहा गया ये बराबर होगा दूसरे रेशियो के, दूसरा रेशियो को अगर फ्रैक्शन में लिखें तो कहेंगे 17/y होगा। इससे कैंसिल करेंगे तो 3 बार में कैंसिल होगा, तो वाई बराबर क्या कहेंगे? 17 * 51। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 51, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो। प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो रेशियो आपस में बराबर, जैसे ए अपॉन बी और सी अपॉन डी। इसका मतलब हुआ ए इज टू बी प्रोपोर्शन इज टू, मतलब दो रेशियो जब आपस में इक्वल होता है तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन में बात करते हैं। कहा गया एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? वे सभी एक साथ काम करते हैं, मतलब पहले अलग अलग किया है, फिर बाद में बोला गया जब एक साथ करेगा तो वही काम को कितना दिन में करेगा। तो चलो यहां से हम देखते हैं। हम कहेंगे एक लड़का है, मान लेते हैं एक लड़का एफिशिएंसी एम है, एक लड़का है, एक लड़का किसी काम को कितना दिन में करता है? तो 10 दिन में। फिर एक महिला, एक पुरुष है पहले ना, एक पुरुष है 10 दिन में, एक महिला 15 दिन में और एक लड़का 20 दिन में करता, मतलब जो काम ये करता है वही काम ये करता है, वही काम ये करता है, मतलब तीनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ से एम डब्ल्यू और बी का हम रेशियो निकालना चाहें तो हम कह सकते हैं, याद रखना एम वाले को ढकेंगे तो वैल्यू एम का देगा, तो इसको ढकेंगे बाकी को गुना करेंगे, बताओ 15 गुने 30 अगर करते हैं तो आप कहेंगे 450 आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर हम डब्ल्यू की बात करते हैं, इसको ढकेंगे तो 30 और 10 को गुना करेंगे तो हमारा 300 आ जाएगा। फिर अगर हम इसको ढकेंगे तो इसको गुना करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा। अगर हम इसको रेशियो में देखें तो कहेंगे 0 से 0 पहले खत्म, 15 से कैंसिल करेंगे तो 1 बार में 15 से कैंसिल करेंगे तो 2 बार में 15 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार। ये हमारा आ गया इसका इफिशियंसी, क्या आ गया? इफिशियंसी आ गया, मतलब एक पुरुष एक दिन में 3 काम करता है, एक लड़का एक दिन में 2 काम और एक बच्चा, एक पुरुष एक दिन में 3 काम
एक औरत एक दिन में दो काम और एक बच्चा या एक लड़का एक दिन में एक काम करता है। अब हम या तो यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें, कहीं भी पुट करके हम काम निकाल लेंगे टोटल। तो हम कहते हैं अगर यहाँ हम पुट कर दें तो आप क्या कहेंगे, एक लड़का एक दिन में कितना, एक काम, और 30 दिन में करता है, इसका मतलब टोटल काम कितना है, तो आप कहेंगे टोटल वर्क हमारा 30 आ गया। कहा गया इस टोटल वर्क जो 30 है हमारा, इसको करने में अब एक पुरुष एक औरत और एक लड़का तीनों मिल के करेगा। बताओ अगर हम एक लड़का एक पुरुष सॉरी एक लड़का एक पुरुष और एक औरत की अगर बात करें तो हम कहेंगे 3 + 2 + 1 एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 6 काम करेगा। बताओ 30 काम को करवाने में कितना दिन लगाएगा, तो आप कहेंगे 5 दिन लगाएगा। कितना दिन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5। जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, तो सबसे पहले कहा गया था सब अलग अलग करता है, अलग अलग करेगा तो सबका कुछ ना कुछ इफिशियंसी होगा। तो हम मान लिए हैं पुरुष का एम इफिशियंसी और महिला का W और लड़का का B मान लिए। एक पुरुष 10 दिन में, एक महिला 15 दिन में, एक लड़का 30 दिन में, और सब सेम काम करता है, मतलब बराबर है। जैसे ही सब बराबर हो गया, जब इस प्रकार का कंडीशन आए तो रेशियो जब निकालना हो तो पहले वाले को ढकेंगे, बाकी वाले को गुना करेंगे, दूसरा को ढकेंगे जो बच गया गुना करेंगे, तीसरा को ढकेंगे जो बच गया गुना करेंगे, जिसको ढकेंगे रेशियो उसी का आएगा। तब रेशियो जैसे ही देखे तो हमारा आ गया 3:2:1 का, मतलब एक पुरुष का इफिशियंसी 3 है, महिला का 2 है, और बच्चा का कितना है, लड़का का कितना है, 1 है। तो या तो लड़का के हिसाब से या पुरुष के हिसाब से या महिला के हिसाब से किसी के हिसाब से आप टोटल काम निकाल सकते हैं। अगर इससे निकालना होता तो हम क्या कहते, एक पुरुष एक दिन में 3 काम और 10 दिन में करता है मतलब 30 काम, तो यहाँ से भी टोटल काम हम निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते थे, काम टोटल हमारा 30 है। जब तीनों मिल के काम करेगा एक एक की संख्या में, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा, मतलब कितना काम करेगा, तो एक दिन में 6 काम करेगा। बताओ 30 काम करने में कितना दिन लगेगा, तो आप कहेंगे 5 दिन लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कहा गया 8 आदमी एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिला उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है। अब देखो जो काम ये कर रहा है वही काम ये महिला भी कर रही है, तो हम कहेंगे महिला पुरुष को मान लेते हैं इफिशियंसी एम है, तो 8 पुरुष एक पुरुष का इफिशियंसी एम, तो 8 पुरुष का 8 एम हो जाएगा, और ये कितना दिन में करता है, तो 45 दिन में करता है। फिर 8 महिला, एक महिला का मान लेते हैं W, तो 8 महिला का 8W, और ये कितना, तो 18 दिन में करता है। कहा गया जो काम ये है वही काम ये है, मतलब जो काम ये कर रहा है वही काम ये कर रहा है, ये 8 पुरुष मिलकर कर रहा है तो 45 दिन, और ये 8 महिला मिलकर कर रही है तो 18 दिन। अब यहाँ से एम और W का हम रेशियो अगर हम निकालें तो हम कह सकते हैं 8 से 8 खत्म, हम कहेंगे 9 × 5 = 45 और 9 × 2 = 18। इसका मतलब एम और W का अगर हम रेशियो निकालें तो कह सकते हैं एम का वैल्यू इधर वाला मतलब 2 और W का वैल्यू इधर वाला मतलब 5, रेशियो में कितना आ गया 2 और 5। टोटल काम या तो यहाँ से निकालो नहीं तो यहाँ से निकालो, हम कहेंगे 8 × m का वैल्यू कितना है 2 और कितना है हमारा 5, टोटल काम ये आ गया हमारा, ये टोटल वर्क आ गया। फिर कहा गया है 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो अगर हम आपसे पूछें 5 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 5 पुरुष एक पुरुष एक दिन में कितना, तो 2, एक महिला एक दिन में कितना, तो 5, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 40, इसका मतलब टोटल कितना आ गया 50। मतलब जब 5 पुरुष और 8 महिला साथ मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 50 काम करेगा, 50 काम करेगा तो टोटल काम कितना है हमारा, तो 8 × 2 × 45 मतलब 50 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करें तो हम कह सकते हैं 5 से कैंसिल करेंगे तो 10 बार में, और इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 9 बार में, और इसको अगर हम देखें तो हम कहें 2 से कैंसिल कर देंगे तो 5 बार, ये हो जाएगा 9 × 72 = 5, 5 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे 14 × 2/5, आंसर क्या हो जाएगा 14 × 2/5, 14 × 2/5 मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये भी है, उसमें 3 अलग अलग लोग थे, पुरुष महिला और लड़का, लेकिन इसमें क्या है महिला और सिर्फ पुरुष, लेकिन क्वेश्चन दोनों हमारा क्या है एक ही प्रकार का। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, कहा गया है एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी काम को कितना दिन में, 30 दिन में कर सकते हैं, एक काम शुरू करके अल्टरनेट पर काम करते हैं,
ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इसी पैटर्न को पालन करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल काम क्या है या उसका इफिशियंसी क्या है। तो क्वेश्चन में कहा गया ए जो है ए काम को 25 दिन में पूरा कर देता है और बी जो है 30 दिन में कर देता है। इन दोनों को अगर हम एलसीएम लें तो आप कहेंगे 150 आएगा, और ये जो आता है एलसीएम हमारा टोटल वर्क होता है, बताओ इफिशियंसी कितना हो जाएगा। तो ए का 6 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, ए जो है एक दिन में कितना काम, आप कहेंगे 6 काम, और बी जो है एक दिन में कितना काम, 5 काम। लेकिन काम अल्टरनेट कराना है, अल्टरनेट कराने का मतलब क्या, ए आएगा फिर अगले दिन बी आएगा, फिर ए आएगा फिर उसके अगले दिन बी आएगा। स्टार्ट कौन करता है, तो ए करता है। कहा गया स्टार्ट ए करता है, ए करता है, ए एक दिन काम करेगा। अब तो एक दिन काम करेगा तो आप कहेंगे कितना काम कर देगा, तो आप कहेंगे 6 काम करेगा। लेकिन कहा क्या है क्वेश्चन में, टोटल 5 दिन तक ये पैटर्न को फॉलो करता है। बताओ ए आया उसके बाद बी आया, फिर ए आया फिर बी आया फिर ए आया, बताओ ए कितना बार आया, तो 1, 2, 3 बार आया, मतलब ए टोटल कितना दिन काम करेगा, तो आप कहेंगे 3 दिन ए काम करेगा। बी टोटल कितना दिन, तो आप कहेंगे 2 दिन काम करेगा, मतलब टोटल 5 दिन में ए 3 दिन और बी कितना दिन काम करेगा, तो 2 दिन काम करेगा। ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 3 दिन में 6 × 3, और बी एक दिन में 5 काम, तो 2 × 5, तो हम कहेंगे ये 18 और ये हमारा 10, मतलब टोटल कितना काम हो गया, तो आप कहेंगे 28 काम कर दिया। ये जो 5 दिन का जो था, ये 5 दिन का, ये हमारा जो 5 दिन का था, इस 5 दिन में अल्टरनेट रूप से 28 काम हो गया। बताओ 150 में 28 काम हो गया, तो बचा कितना, तो आप कहेंगे 122 काम बचा हुआ। ये हमारा रिमेनिंग वर्क, ये हमारा रिमेनिंग वर्क। अब 122 काम को जब ए चला गया है तो करेगा कौन, तो करेगा इसको बी, और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो 5 काम। बताओ बी एक दिन में 5 काम करता है, तो 122 काम कितना दिन में करेगा, तो हम कहेंगे 122/5। तो 22 को अगर 5 से भाग लगाएं तो हम कहेंगे 24/5 120, मतलब 24 पूर्णांक 2/5 दिन, 24 पूर्णांक 2/5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। तो जब इस प्रकार का अल्टरनेट रूप से काम करने की बात करें, तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन में दे दिया गया है स्टार्ट कौन करता है तो आसान हो गया, जब स्टार्ट कौन करता है अगर नहीं दिया जाए तब इसका आंसर वेरी भी कर सकता है। ठीक है, एक बार ए से स्टार्ट करवाएंगे फिर हम बी से स्टार्ट करवाएंगे, तो ए से स्टार्ट करवाएंगे तो कितना आ गया, 24 पूर्णांक 2/5। लेकिन जब यही बी से स्टार्ट किया गया होता, मतलब बी 3 दिन काम किया होता, तो उसके हिसाब से भी कुछ आंसर आता, तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम में आपको दे देगा स्टार्ट कौन करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की यात्रा 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और अगले 100 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और 75 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। मतलब पहले 120 किलोमीटर चला 80 के स्पीड से, फिर 100 किलोमीटर चला 40 के स्पीड से, तो टोटल चला कितना, तो 120 और 100 220 वापस आ गया है किससे, तो 75 के स्पीड से वापस आ गया। पूछा गया है जाने और आने का टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा। याद रखेंगे जब भी एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें तो याद रखना है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बताओ एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए और टोटल टाइम पता होना चाहिए। तो हम कहेंगे टोटल टाइम कितना हुआ, ये सबसे पहले ये देखते हैं। 120 किलोमीटर 80 के स्पीड से गया है, इसका मतलब 40 × 80 और 40 × 120, मतलब 3/2 घंटा, कितना, 3/2 घंटा, ये पहला केस। दूसरा केस 100 किलोमीटर 40 के स्पीड से गया है, इसका मतलब ये 5/2 घंटा यहाँ टाइम लेगा। अब बताओ 120 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, मतलब आया है टोटल कितना, 220 किलोमीटर, कितना के स्पीड से, तो 75 के स्पीड से। अगर इसको हम देखें तो हम कहेंगे 5 से 15 बार में 5 से कैंसिल करेंगे तो 4 4 44, तो ये आ जाएगा हमारा 44/5।
अब हम यहां से देखें तो यहां हम पुट कर सकते हैं, हम कहेंगे एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो हम कहेंगे टोटल स्पीड कितना हो गया, तो जाने में 120 तो आने में 120, मतलब टोटल दो 440 हो गया, कितना हो गया 400। टाइम टोटल कितना हो गया, तो टाइम टोटल अगर हम जोड़ते हैं तो हम कहेंगे 3/2, 5/2 और ये हो गया हमारा 44/4। अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं एलसीएम हमारा 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 × 3 = 45 और ये हो जाएगा हमारा 75 और ये हो जाएगा हमारा 44 × 88। अगर इस सबको हम जोड़े तो हम कह सकते हैं 10 × 8 = 18, 15 × 4 = 19, 19 × 1 = 20, 20/4। इसका मतलब क्या, ये 15 नीचे और ऊपर अगर हम देख लें तो 104, कहने का मतलब 104/15 आया है, 15 ऊपर चला जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो हम कह सकते हैं तो हम 2 से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा हमारा 52 और ये हो जाएगा हमारा 220। अगर हम इसको कैंसिल करें 4 से तो ये हो जाएगा 13 × 52 और इसको अगर हम कैंसिल करें 4 से तो 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, 55 × 15, 15 × 5 = 75 और ये हो जाएगा 15 × 5 = 75 और 7 = 82 बटा कितना आएगा हमारा 13, हो जाएगा हमारा 13 × 78, 4 × 45 = 39.40, तब 6 × 13 = 52, 13 × 52 तब 8 × 13 = 78, तब 63.46, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका, ठीक है। कुछ नहीं करना था, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, तो सबसे पहले हम टाइम निकाल लिए हैं, टोटल टाइम हमारा आ गया 104/15, टोटल स्पीड हमारा 240, भाग लगा दिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए मिल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। कहा गया है क्वेश्चन में 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है और 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में कितना टाइम लगाएगा। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना पड़ेगा, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो यूनिट देखना है। यहाँ देखो मीटर में दिया गया है और स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो एक किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 108 किलोमीटर पर आवर है, याद रखेंगे इसमें 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे जैसे ही इसे कैंसिल करेंगे तो 6 मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। याद रखेंगे कभी भी अगर किलोमीटर पर आवर मीटर पर अगर इससे इसमें जाना है 5/18 से गुना करेंगे और इससे इसमें जाना है तो 18/5 से गुना, ठीक है। किलोमीटर से जाना है मीटर पर सेकेंड में तो 5/18 से गुना कर दिए, अगर मीटर पर सेकेंड से जाना होता तो 18/5 से गुना। अब थोड़ा सा एक और बात याद रखेंगे, कभी भी अगर कोई भी ट्रेन है किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है या किसी दूसरे ट्रेन को पार कर रहा है कि या किसी पुल को पार कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसमें जो टोटल डिस्टेंस होगा उसके लेंथ के सम के बराबर होगा। तो बताओ ट्रेन का लंबाई हमारा 900 है और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई हमारा 900 है, तो हम क्या कहेंगे टोटल जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1800 मीटर 1800 मीटर 30 के स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पार करेगा तो टाइम कितना लेगा, तो हम कहेंगे डिस्टेंस हमारा 1800 है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अगर हम करते हैं हमारा क्या आता है, टाइम आता है, भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा हमारा 60 सेकंड, आंसर हो जाएगा इसका क्या 60 सेकंड, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है दो रनर है सोनी और मोनी 200 मीटर लंबे एक गोलाकार ट्रैक पर, सर्कुलर ट्रैक पर 18 और 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ही दिशा में दौड़ रही, दौड़ना शुरू किया, प्रारंभ से कितने समय बाद वे पुनः उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले अगर स्पीड दिया गया है तो टाइम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम पूछा गया है। अगर टाइम दिया जाए तो आसान हो जाएगा, जो भी टाइम दिया जाए अगर फिर अगर एक ही पॉइंट से एक ही जगह से एक ही दिशा में अगर चलना शुरू किया है, अगर यहाँ पर सिर्फ टाइम दिया जाता तो उस टाइम को हम एलसीएम ले लेते और जो एलसीएम आता उतना ही समय में फिर एक बार मिलेगा,
लेकिन अगर टाइम नहीं दिया गया है तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ऐसा गलती नहीं करेंगे जो स्पीड का ही रेशियो ले लेंगे। तो क्या कहा गया है, 200 मीटर है तो सबसे पहले तो हमारा स्पीड जो 18 और 24 इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 18 किलोमीटर पर आवर है, बताओ इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 5/18 से इसमें गुना करेंगे, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये पहला वाला के लिए। अगर हम दूसरा वाला की बात करें तो 24 है, इसको हम 5/18 से गुना करते हैं तो 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, मतलब ये 20/3 मीटर पर सेकंड। अब पहले हम देखते हैं अगर कोई सर्कुलर पाथ है हमारा, कोई सर्कुलर है, मान लो अगर इस पॉइंट से चलना शुरू किया है, इस पॉइंट से चलना शुरू किया है और ए है, नाम क्या है, सोनी, सोनी और मोनी, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किया, एक ही टाइम में चलना शुरू किया है और टोटल जो इसका डिस्टेंस है 200 मीटर है, हम कहेंगे सोनी का 200 मीटर है और 5 के स्पीड से चलेगा तो 40 सेकंड का टाइम लेगा, कितना लेगा, तो आप कहेंगे 40 सेकंड का टाइम लेगा। अगर मोनी की बात करते हैं तो 200 हमारा टोटल डिस्टेंस है और ये चलेगा कितना, 20/3 से 3 ऊपर चला जाएगा तो आप कहेंगे 30 सेकंड का टाइम लेगा, कितना सेकंड का, आप कहेंगे 30 सेकंड का टाइम। अब बताओ टाइम इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, एक पॉइंट से चला है एक ही डायरेक्शन में, बोला गया इसी पॉइंट पे फिर दोनों एक साथ कब मिलेगा, तो याद रखेंगे जो भी टाइम आया ना उसके एलसीएम के बराबर टाइम पे मिलेगा, तो आप कहेंगे 40 और 30 का एलसीएम कितना होता है, तो आप कहेंगे 120, मतलब 120 सेकंड के बाद फिर उसी जगह पे दोनों मिलेगा 120 सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, तो डी दिया। लेकिन अगर इसमें ये हमारा नहीं दिया गया होता 18 और 20, डायरेक्ट ये बोल देता एक पूरे चक्कर लगाने में 40 सेकंड का टाइम मोनी लेता है, सोनी लेता है और 30 सेकंड का टाइम मोनी लेती है, तो बताओ कितने समय के बाद, तो डायरेक्ट इसी का हम एलसीएम निकाल देते, इतना करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, आ गया है 3x³ + 5x²y + 12xy² + 7y³ का वैल्यू क्या होगा, और x का वैल्यू दे दिया गया है, वाई का भी वैल्यू दे दिया, कुछ नहीं करना है, हम पुट कर देते हैं, हम कहेंगे 3x के स्थान पे -4 रखेंगे, -4 का³ + 5 - 4 का² - 1 + 12 × -4 - 1 का² + 7 × - 1 का³। गौर से देखें, अब बताओ पावर अगर ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा, तो हम कहेंगे 3 × -64 + ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 × 16 - 1 और हो जाएगा 12 × -4 - 1 और हो जाएगा 7 × -1। गौर से देखें तो हम कहेंगे 64 × 3 = 192 होता है, माइनस में है तो माइनस, ये हो जाएगा 16 × 85 - 48 - 7, तब माइनस में तो आपस में हम ऐड कर देते हैं, 8 × 7 = 15 + 15 = 17 = 7, 8 × 4 = 12 + 9 = 21 + 1 = 22 और 1 × 2 = 3 - 327 -327 आ गया, कुछ नहीं करना था, सिर्फ सॉल्व करना था, इसको वैल्यू पुट कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया a + b + c का वैल्यू 16 है, a² b² + c² का वैल्यू कितना है, 90, तो ab + bc + ca, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² b² + c² + 2 ab + bc + इसी को हम लोग पढ़े हैं बचपन में, 2ab 2bc 2ca, 2 को क्या कर लिया, हम कॉमन कर लिया। अब जो भी दिया गया है उसको हम पुट करेंगे, इसका वैल्यू दे दिया गया 16, मतलब 16 का² इसका वैल्यू दे दिया गया 90 और ये हमारा ab + bc + ca का तो निकालना ही। अब देखिए 16 का² 256, 90 आकर के इधर माइनस हो जाएगा और 2 इधर आके भाग लग जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा ab + bc + ca, हम 90 माइनस करेंगे मतलब 166 आएगा, 166 में 2 से भाग लगाएंगे तो आप कहेंगे हमारा 83 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 83। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला अगर याद है तो तुरंत बन जाएगा, नहीं याद है तो फिर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, 7b - 1/4b = हमारा 7 है। अब देखो क्वेश्चन कुछ और है, पूछा कुछ और गया, अगर इसी को स्क्वायर करता तो यहाँ हमारा 49 होना चाहिए, यहाँ हमारा 16 होना चाहिए,
लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसको हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा इसको देखते हुए। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये जो हमारा 7b माइनस 1/4b है इक्वल टू 7, हम कहेंगे इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, तो 4/7 से, मतलब 4/7 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 7 कैंसिल, मतलब ये 4b में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें करेंगे तो आप कहेंगे 4 कैंसिल हो जाएगा तो 7b आ जाएगा, और इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। ये जो फॉर्मेट हमारा बना है ना, ये फॉर्मेट हमारा बना है x माइनस 1/x बराबर अगर n दिया जाए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, याद रखेंगे n स्क्वायर प्लस होता है, n स्क्वायर प्लस होता है। लेकिन अगर ये कब होगा, जब हमारा x इंटू 1/x हमारा 1 के बराबर होगा, लेकिन अगर 1 के बराबर नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे x इंटू 1/x साथ में चिप, ठीक है। तो हम कहेंगे अब बताओ, जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे तो हम कहेंगे तो 16b² प्लस 1/49b² हो जाएगा, बताओ 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, तब कहेंगे 16 प्लस 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या है हमारा, तो 4, और बी के जगह पे क्या है 7, बताओ बी से बी खत्म हो गया। तो फाइनली हम कह सकते हैं 16 प्लस 8/7, 16 से 112 प्लस 8/7 मतलब 120/7 आ गया हमारा, 120/7। तो 20/7 जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा दिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, कहा गया दो एंगल इसमें बराबर दे दिया, कहा गया है दो हमारा ट्रायंगल है और कंगुरेंट है, एक्स का नाम है हमारा ए बी सी और हमारा एक्स वाई जेड, कहा गया है एंगल सी और एंगल जेड बराबर है, फिर कहा गया ए सी और एक्स जेड बराबर है, अब बोला गया कंगुरेंट है मतलब सब एंगल बराबर होगा, सब साइड बराबर होगा, इसका कुछ हमारा टेस्ट होता है, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड, मतलब ए साइड इसके बीच का एंगल और ए साइड अगर आपस में बराबर हो गया तो हमारा ये कंगुरेंट होगा, इसका मतलब बी सी बराबर हमारा वाई जेड होना चाहिए, बी सी बराबर वाई जेड, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा दिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, एक सर्कल दिया गया है, देखिए इसका थोड़ा सा याद रखेंगे, हम तो लिख देते हैं एक फॉर्मेट के रूप, हम कहेंगे कभी भी अगर ऐसा आ गया हमारा ए है, हमारा बी है, हमारा सी है, हमारा डी है, याद रखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर हमारा ए सी इंटू ए डी होता है, ये फॉर्मेट को याद रखेंगे, इसी फॉर्मेट पे यहाँ पर बैठाया गया, बताओ यहाँ से यहाँ का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ मतलब 6 और पूरा यहाँ से यहाँ, अब क्या कहेंगे 100 प्लस x, हम कहेंगे 64/6 और ये हो जाएगा हमारा 6 प्लस x, मतलब ये 32/3 आ गया, 100 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 100 × 3 = 18, 18 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, तो आप कहेंगे 14/3, मतलब x का वैल्यू हमारा 14/3 आ गया, 14/3 मतलब ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, सी दिया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, कहा गया है दो कंसेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर एक ही हो, सेंटर एक हो, दो सर्कल कहा गया है, छोटे वाला का जो टेंजेंट है बड़े वाला का कॉर्ड का काम करता है, और अलग अलग सबका दे दिया गया है रेडियस, अलग अलग रेडियस दिया गया है, बताओ बड़े वाला का रेडियस दिया है 10, छोटे वाला का दिया है 6, याद रखेंगे इस पे हमारा परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री होता है, बताओ राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब 10 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर घटाएंगे तो 8 के स्क्वायर के बराबर आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ हमारा 8 हो गया। एक और बात याद रखेंगे, जैसे ही 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट किया मतलब इसको दो बराबर भाग में बांटता है, मतलब यहाँ से यहाँ अगर 8 आया है इसका मतलब यहाँ से यहाँ भी हमारा 8 होगा, और इसी का वैल्यू पूछा गया है तो क्या हो जाएगा हमारा 16, आंसर क्या हो जाएगा हमारा नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं,
कहा गया 4.2 सेंटीमीटर स्फीयर वाले का वॉल्यूम क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई मतलब 22/7। 4/3 को हम 4.2 को क्या लिख सकते हैं 42/10। कहाँ से आया है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसी फॉर्म पे हम क्या किए हैं बैठा है 7 से 6 बार में, 3 से 14 बार में हमारे पास क्या आ गया तो 4 × 22 × 6 × 14 × 42 नीचे में क्या आ गया हमारा, इसी में आ गया है क्या? अब देखो थोड़ा सा या तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा नहीं तो हम ऑप्शन से हम चेक कर सकते हैं। हम कहेंगे 6 है इसका मतलब इसमें 3 और 2 है, 3 है मतलब जो भी आएगा ना उसमें 3 शामिल होगा और 3 का डिविजिबिलिटी हमको पता है। अगर जो भी नंबर है उस नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड हो गया मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब बताओ इसमें 3 है मतलब जो भी ऑप्शन दिया गया है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड के लिए सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। बताओ 3, 2 और 1 3 भाग लग जाएगा, नहीं तो जोड़ लेंगे इसको। हम कहेंगे 3 × 1 = 4, 6 × 6 = 7, 6 × 13 = 13, 15 × 5 = 20। इस 3 से भाग लगता है नहीं, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। हम कहेंगे 9 × 7 = 16, 16 × 2 = 18, 18 × 18 = 18, 26 × 28 = 32 ये भाग नहीं लगेगा। अगर हम इसकी बात करते हैं 4 × 4 = 8, 8 × 4 = 12, 12 × 6 = 18 मतलब ये भाग लगेगा। ये कहेंगे 8 × 7 = 15, 17 × 17 = 19, 19 × 3 = 22, 22 × 4 = 26 मतलब ये भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा इसका। या तो गुना करो नहीं तो हम डिविजिबिलिटी चेक कर लिए हैं और देखो 3 ऑप्शन खत्म हो गए, एक ही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कहा गया है cos थीटा √3/2 दिया गया है और √3 इसका वैल्यू होता है तो थीटा cos 30 का मान होता है, कितना का तो cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है हमारा √3/थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा बराबर 30। या तो ऐसे 30 यहाँ पे पुट करेंगे तो tan 30 का मान 1/√3 स्क्वायर करेंगे तो 1/3 और 60 का मान क्या होता है, सॉरी 30 का मान क्या होता है यहाँ तो 30 का मान हो जाएगा √3/2 मतलब स्क्वायर खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से √3 खत्म हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4, 3 से 3 खत्म मतलब कितना जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो मान लो ए है बी है हमारा सी है, कॉस क्या होता है कॉस होता है हमारा आधार बटा कर्ण मतलब ये हमारा √3 है और ये हमारा 2 है। बताओ 2 के स्क्वायर में से अगर √3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ गया और साइन थीटा हम जानते क्या है लंब बटा कर्ण होता है 1/2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो यहाँ साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब क्या कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा और साइन का मान कितना है 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/4, ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारा बी। या तो थीटा का मान पुट करो या नहीं तो इस प्रकार से बेसिक ठीक है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। कहा गया है साइन ए प्लस बी 1 बताओ 1 साइन कितना डिग्री का मान होता है तो आप कहेंगे 90 का मान, इसका मतलब ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 90। फिर ए माइनस बी कॉस कितना का मान 1/2 होता है तो आप कहेंगे 60 का मान होता है तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 60। यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 150 तो ये बराबर कितना आ जाएगा हमारा 75, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23। कहा गया है 3 sin θ - cos θ / cos θ + sin θ ये 1 के बराबर है, इधर ले जाके गुना कर देते हैं 3 sin θ - cos θ ये हो जाएगा हमारा cos θ + sin θ, साइन थीटा को इधर लाएंगे तो घट जाएगा तो 2 sin θ और cos थीटा को उधर ले जाएंगे तो जुड़ जाएगा 2 cos θ, 2 से 2 खत्म, क्या बच गया हमारा sin θ = cos θ। याद रखेंगे 45 डिग्री पर दोनों का वैल्यू सेम होता है, अगर 45 यहाँ रखेंगे दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम, थीटा का मान पता चल गया और cot 45 का मान मुझे पता है, cot 45 का मान कितना होता है तो आप कहेंगे 1 होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलो चार्ट दिया गया है इसमें क्रॉस अमाउंट और टोटल अमाउंट की बात किया गया, क्वेश्चन में कहा गया 25% प्रॉफिट कमाने के लिए 19-20 में क्रॉस अमाउंट क्या होना चाहिए यदि टोटल अमाउंट समान है। अब बताओ ये हमारा जो
ये ब्लू वाला है ना, ये हमारा टोटल अमाउंट है और ये रेड वाला है हमारा ग्रॉस अमाउंट है। कहा गया है क्या ये टोटल अमाउंट समान है, मतलब टोटल अमाउंट अगर 65 है, 6500 है, इसमें बोला गया है 25% प्रॉफिट हो तो कितना में बेचेंगे, इसका मतलब ये अगर 100% है, 25% प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब 125% में बेचना पड़ेगा। मतलब ये हमारा 5 है, हमारा 4, 4 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1625, गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1685, 125 मतलब 8125। सर क्या हो जाएगा हमारा 8125, जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट दिया गया, दो सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है और एग्रीगेट मार्क्स है। इसमें सबका अलग अलग क्राइटेरिया दिया है, कहा गया है जीरो से अधिक वाला, अगर जीरो से अधिक वाला में मतलब पूरा का पूरा स्टूडेंट आ जाएगा, मतलब कम से कम जीरो या उससे अधिक मार्क्स, मतलब 100 तक लाने वाला, मतलब सब इसकी संख्या कितना है 100 है, 10 से अधिक लाने वाला, इसमें हमारा 92 है, इसमें हमारा 81 है और एवरेज हमारा कितना है तो 87 है, इसमें हमारा 73 है, इसमें क्या है 27 है और इसमें क्या है हमारा 7। कहा गया है कितना, कुल 20%, कितना परसेंट 20%। अब बताओ टोटल यहाँ हमारा 50 दिया गया है, 50 का अगर हम 20% की बात करें तो आप क्या कहेंगे 10 होगा। कहने का मतलब क्या, 10% से कम, 10% से देखो 10 and above, मतलब 10% से अधिक वाला 87 लोग है, 10% से कम वाला कितना होगा, मतलब 10 नंबर या 10 नंबर से अधिक लाने वाला, 10 नंबर से अधिक कितना भी लाने वाला हो, 25, 50, 100 कुछ भी लाने वाला हो, उसका संख्या टोटल कितना है, तो आप कहेंगे 87 है, तो हम कहेंगे 10% से कम वाला कितना होगा, तो आप कहेंगे टोटल तो हमारे पास 100 है और जिसमें 10 से ऊपर लाने वाला 87 है, तो हम क्या कहेंगे टोटल में से अगर हम 87 को माइनस कर दें तो आप क्या कहेंगे 13 लोग ऐसे हैं जो 10 से कम लाने वाले हैं। ऑप्शन नंबर क्या दिया गया हमारा, ये जो हमारा है CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 CGL का जो एग्जाम हुआ था हमारा 14 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में, उसका 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा जो है मॉडरेट है, इजी से मॉडरेट है, टफ नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। अगर प्रैक्टिस पे बैठे हैं तो जैसे हम बताए हैं वैसे काम करेंगे, ऐसा नहीं जो प्यार से धीरे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपने आप को, ठीक है। चलिए